देखिए सबसे पहले इनडेफिनिट इंटरवल का सिंबल, सिंबल लाइक कुछ इस तरह का सिंबल होता है, ठीक। इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। बोलेगा सर इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है फंक्शन, इसे हमको सबको लिखते हैं दैट इज दी, इसका मतलब होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हर एक चीज का अपना सिग्नेचर होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। एंड एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स, और डीएक्स होता है वेरिएबल ऑफ एक्स। तो क्या होता है, डीएक्स इज अ वेरिएबल ऑफ एक्स। हमने देखा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तीन सिंबल एज्यूम हुआ था, फर्स्ट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड डीएक्स इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स लिखेंगे, हमको सिर्फ इतना ही सिंबल याद रखना है, जस्ट इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज द इंटीग्रल साइन, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज द फंक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कौन सा होगा, एक्स होगा। तो ये छोटा सा लिमिटेड पार्ट है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके बेसिक फॉर्मूला को देखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था सिंपल फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग एफ एक्स डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इसके बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं जो हमें जनरली फिजिक्स में लगेंगे, इसमें होते तो मैथ बहुत सारे हैं, बट हमने जो कैटेगरी हमको जितना ही चाहिए हमने उतना ही लिखा है। दिस इज द जनरल पॉलीनोमियल फंक्शन के लिए अप्लाई होता है, ये जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, दिस इज कॉस, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फाइव फॉर्मूले हैं, जैसे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज दी, जिसमें हर एक सी है ना, सब का सी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब क्या होगा इसमें, साइन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो हमने बताया था एक मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स मीनिंग होता है एंटी डेरिवेटिव। तो जो डिफरेंशिएशन में हुआ था उसका रिवर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन में होगा। तो x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, सबको मीनिंग पता है, और n नॉट इज इक्वल टू माइनस 1। अगर n का वैल्यू माइनस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सो n इज नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर सेकंड क्या है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x होता है, क्यों याद है हमें, पहले हमने देखा था साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x हुआ करता था, लेकिन साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ cos x, मतलब एंटी मतलब क्या था उसका रिवर्स पार्ट है प्लस c। सिमिलरली cos x का डिफरेंशिएशन साइन x, पहले क्या होगा था, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, अब क्या है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस ऑफ साइन x प्लस c। सिमिलरली 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या हो, इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ e / x + c, हमने वहां देखा था log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता था। देखना एक दूसरे का सब रिवर्स है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, लॉग का 1 बाय एक्स, एंड ई टू द पावर एक्स इन दिस केस में नहीं बदल रहा था तो यहाँ भी नहीं बदलेगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सारे फॉर्मूले को आप लिखेंगे अच्छे से, देन हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन शुरू करेंगे। हम लोगों ने इस फॉर्मूला को लिखा होगा, हम लोग एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, देन फाइंड वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। जब y का वैल्यू x टू द पावर 5 दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx कितना होगा, तो क्या करें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो जब पुट करते हैं इंटीग्रेशन क्या आता है, x टू द पावर 5 इनटू dx आता है। जब हम लोग फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं तो क्या होता है, x टू द पावर n dx, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ कितना है, हम लोग लिख रहे थे n का वैल्यू कितना है, 5 है। तो फॉर्मूला देखो, x टू द पावर n प्लस 1, तो क्या होना चाहिए, x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मींस 5 प्लस 1 प्लस सी। तो हमें क्या मिलता है, x टू द पावर 6 बाय 6 प्लस सी। सिंपल है, लॉजिकली बहुत ही आसान है, अगर जस्ट क्या किया हमने, फॉर्मूला को अप्लाई किया और यहां पुट कर दिया। इस पे हमको ढेर सारे पॉलीनोमियल का 2 का 3 का 4 का x स्क्वायर x क्यूब x 4 x 5 जितना वैल्यू डालेंगे सबका सॉल्यूशन इससे आ जाएगा, इसलिए हमने एक ही टाइम क्वेश्चन किया है। रेस्ट क्वेश्चन आपसे इसी मेथड से सिंपली कुछ नहीं करना है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो जिस तरह का जितना भी पॉलीनोमियल होगा, या तो एडिशनल फॉर्म हो, सब्ट्रैक्शन फॉर्म हो, जो हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे, सबका सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है y इज इक्वल टू 1 बाय रूट x। हम देखिए y इज इक्वल टू 1 बाय रूट x, अगर हमें यहां से कंफ्यूजन नहीं हो तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं उसमें, क्योंकि रूट का वैल्यू 1 बाय 2 होता है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। अगेन डू द सेम इंटीग्रेशन, क्या है ये,
y dx is equal to x to the power minus 1 by 2 dx. अब हमको क्या हो गया, n का वैल्यू फिर से पता चल गया, what is the value of n, यहां से हमको n मिल गया minus 1 by 2. तो फॉर्मूला सेम अप्लाई कर ले, x to the power minus 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus 1 plus c. इसको सॉल्व कीजिए, माइनस हाफ प्लस वन तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस सी होगा. जब इसको हम लोग अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू रूट एक्स, क्योंकि वन बाई टू क्या लिख सकते हैं, प्लस सी. दिस इज द आंसर. छोटा छोटा सा सॉल्यूशन है, अगर उसको हम लोग अच्छे से देखें तो. सिमिलरली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन टू एक्स. अब देखिए साइन टू एक्स, सर साइन एक्स का हमने सुना है, हमने जस्ट अभी एक न्यू रूल देखा था. अभी हम लोग देखेंगे इस तरह का फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं. मैं इसको प्रॉपर वे में लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन टू एक्स, इसका मतलब क्या होगा, साइन टू एक्स डी एक्स. इस तरह के फंक्शन में क्या करते हैं, ये खुद का इंटीग्रेशन होगा, देन उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा मेन फंक्शन का, वो हम लोग dx का नीचे करेंगे. मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, साइन टू एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ डी एक्स ऑफ टू एक्स. ये फॉर्म हमको याद रखना पड़ेगा एनी हाउ, बिकॉज ये फॉर्म बार बार हमें आने वाला है. साइन का कॉस हो जाएगा, और ये जो बीच का फंक्शन या तो वो जी एक्स होगा या कोई और फंक्शन होगा, उससे क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन में डेरिवेशन करेंगे. हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं डिफ्रेंसिएशन साथ. बट क्या होगा, हमने पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स होता है या एंटी डेरिवेट होता है. इसका मतलब उससे उल्टा होना चाहिए. अगर हमने डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई किया है जी एक्स के डेरिवेटिव का, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा. जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आएगा, इस आंसर को देखिए एक बार, तो cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, दिस इज द आंसर. इसको देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन हमको जब भी आएगा, sin 2x cos 2x tan 2x cot 2x, कुछ भी फंक्शन आएगा, तो इंटीग्रेशन वाले केस में मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, जो सब्स्टिट्यूटरी सेक्शन जो है 2x है या कोई भी फंक्शन होगा बीच में, उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, बट वो डिवाइड में होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट्स था इस क्वेश्चन का, स्टार लगा लेंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप कभी रुक सकते हैं, कभी आपको कंफ्यूजन आएगा. इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं. डिफरेंशिएशन में सम रूल देखा था, दो दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का हमने क्या करते थे, सेपरेट उसका डिफरेंशिएशन क्या करते थे. सिमिलरली इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर एक से ज्यादा फंक्शन आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उसका हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे. जैसे मान लीजिए सम रूल में क्या होता है, इफ एक y कोई फंक्शन है, वो क्या आ गया, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, देन हमको बोलेगा कि इस फंक्शन का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन ढूंढना, सॉरी इंटीग्रेशन करना है. तो बोलेगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्या करेंगे, सबका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे. कैसे लिख सकते इसको, होल इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w का dx. एक तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर उसको बाय पार्ट्स करेंगे या उसको सेपरेटली अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो क्या होगा, u ऑफ dx प्लस माइनस v ऑफ dx प्लस माइनस w ऑफ dx विथ इंटीग्रेशन. अगर जब भी इस तरह का समेशन के फॉर्म में कहीं भी आएगा तो क्या करेंगे, सबका हम लोग सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे विद साइन, या तो प्लस हो या माइनस. तो ये हमारा सम रूल का बेसिक सा एजम्पशन है. इसको लिखिए, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं. ये आसान है, कुछ नया नहीं. इस सेपरेट रूल का हमने दो एग्जांपल लिए, इस दोनों एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. आप लोग एक एग्जांपल देखिए, दूसरा आप ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे. देखिए फर्स्ट क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव दिए, इसने क्या बोला है, वाई ऑफ डी एक्स. तो क्या करना पड़ेगा, हम y of dx का इंटीग्रेशन लेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, होल इंटीग्रेशन x प्लस फाइव का dx होगा. अब देखो जब डिफरेंट आया था हमने सबको सेपरेट कर लिया था, फिर क्या किया हमने, x of dx प्लस फाइव ऑफ dx, दिस इज इंटीग्रेशन. अभी देखो एक नया कि किसी भी कांस्टेंट का वहां पर क्या हुआ करता था, डिफरेंशिएशन जीरो होता था, बट यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, वन का x, फाइव कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, तो देखो क्या होगा, x टू दी पावर वन है, नहीं कुछ नहीं, अब क्या होगा, वन होगा. अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, ठीक ना, x टू पावर वन है तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन लिख सकते हैं ये रूल में. अब देखो ये बाहर है हमारा डिज डी एक्स. अब कोई बोलेगा सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखना, सॉल्व करने का एक वे है, ये तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, ये कितना होगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा आपको पता चलेगा इसका मीनिंग क्या होता है. अब देखो अभी हम लोग फाइव को रहने देते हैं, सिर्फ इस पजल में इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारा dx है,
बोलोगे सर इसके मल्टीप्लीकेशन कोई फंक्शन है ही नहीं, लेकिन है नहीं इसका मतलब वन तो होगा। मान ली यहाँ से हमने वन से मल्टीप्लाई कर दिया, वन का तो कुछ नहीं हो सकता, अगर वन से मल्टीप्लाई तो कोई चेंज तो होगा नहीं। अब देखो वन होगा तो सर वन तो एक्स के फॉर्म में भी नहीं है। एक और रिजल्ट हमें पता है कैसे, हमको पता है एक्स टू दी पावर जीरो ऑलवेज क्या होगा, वन होगा। हम लोग क्या करते हैं इस फंक्शन को सेपरेटली लिख लो, एक्स टू दी पावर जीरो इंटू डी एक्स। क्या वो जो फॉर्म था एक्स टू दी पावर एन डी एक्स वो फॉर्म आ गया, लेकिन यहाँ पे एन के वैल्यू कितने, एन के वैल्यू है वन जीरो। चलो अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो अप्लाई कर फॉर्मूला, एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन बाय जीरो प्लस वन प्लस सी। तो क्या आ गया एक्स टू दी पावर वन बाय वन, तो हम कितना आइए एक्स प्लस सी आया। तो क्या ये सॉल्यूशन यहाँ पर प्रश्न लोग कर सकते हैं ना, फाइव इंटू एक्स और एक सी नहीं आएगा उसको मान लेते कॉन्स्टेंट कुछ होगा, उसमें कॉन्स्टेंट से कोई ले देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू फाइव एक्स प्लस सी। तो हमको ये तरह की बात समझ में आ गया, जब भी कुछ नहीं हुई हम लोग क्या मान लेंगे वन, और वन का इंडिकेशन क्या होता है ऑलवेज एक्स होता है। तो इस चीज को आप ब्रैकेट में लिख लेंगे आपको आसानी से समझ में आएगी बात कि हम लोगों ने इसे क्यों लिखा, इसको लिख लीजिए। फिर उसी सिंपल मेथड से, यही मेथड है, इसको पहले स्क्रीन को रोकेंगे पॉज करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे आप। देखिए क्या दिया है इसमें, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स पूछा है, पुट कर देते हैं ई टू दी पावर एक्स वन बाई एक्स डी एक्स। अपने को यही तो निकालना है, आप क्या बोला है फिर से देख रहे हैं दो डिफरेंट फॉर्म में, सेपरेट कर देते अपन को ई टू दी एक्स डी एक्स वन बाई एक्स डी एक्स। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप एक रिजल्ट लिखा था इसका कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर e टू दी पावर एक्स वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ई बेस एक्स, अभी देखा था रिजल्ट में लिखा हुआ था लॉग ई बेस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। दिस इज द आंसर, आप अपना आंसर मैच कीजिए देखिए आपका आंसर आया कि नहीं, इसको अच्छे से लिख लीजिए दोनों क्वेश्चन को। और एग्जाम्पल ये है, अच्छा एग्जाम्पल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड वही सिंपल है, फिर से आप वही पुराना मेथड अपना अप्लाई करेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे फिर से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे जब मैं बनाऊंगा। देखो क्या आया डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर से दिख रहा है दो समेशन सोचना ही नहीं, सिंपल सी कहानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंडिविजुअल कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अभी हमने पढ़ा था साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, रिजल्ट में देखा था इट इज कॉल्ड माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस का साइन एक्स एंड प्लस सी। दिस इज आंसर, इजी वन, वेरी आसान। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग ट्राई कीजिए फिर सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए ये क्या दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अगर हमसे पूछा है वाई डी एक्स तो इसमें सॉल्व करेंगे सर दो डिफरेंट पर्सन थोड़ा सा अलग अलग है, रूट एक्स दो तीन बार करना पड़ेगा, तो बेटा इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सप्लेन कर देते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर दिस इज एक्स प्लस बी स्क्वायर वन बाई एक्स प्लस टू ए बी टू रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स, क्या एक्सप्लेन हो गया तो ये कट जाएगा। तो हमको वाई कितना आ गया, हमको वाई आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू। अब क्या ये फंक्शन हमको पुट करना है, अब तुमको आसान दिख रहा है तीन डिफरेंट फंक्शन है तो ले लीजिए इंटीग्रेशन में एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू का डी एक्स इजकल टू एक्स डी एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स इंटू टू डी एक्स। अब देखिए एक्स टू दी पावर वन तो वन प्लस वन बाई टू, तो ये तो आसानी है, ये एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, हमने जस्ट अभी देखा है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन लॉग बेस एक्स एक्स लॉग बेस ई बेस एक्स होता है ना प्लस टू, अभी तो जस्ट सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में वन इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा और एक कॉन्स्टेंट हम ऐड कर देंगे। ये हमने वन बाई एक्स का देखा था वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ई बेस एक्स और टू इंटू वन एक्स का सॉल्यूशन हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा था डिफरेंट एक्स टू पावर जीरो करके, तो कितना हो गया टू एक्स प्लस सी। ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आप लिखो पहले। अभी तक देखा डिफरेंट फॉर्म में कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग को रिमेंबर करना पड़ता है किस तरह आता है। जैसे फर्स्ट स्पेशल टाइप है उसे फर्स्ट केस था जिसमें साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इजकल टू माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी,
ये रिजल्ट है, मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ. अगेन cos of ax plus b dx is equal to sin of ax plus b by a plus c. इसमें कुछ नहीं है, सिंपल इसका इंटीग्रेशन होगा, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं. यही हमने किया सर एक फॉर्म में. सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये चेंज नहीं करता है, तो e to the power ax plus b of dx का इंटीग्रेशन is equal to e to the power ax plus b by a. सेम किया हमने, x के कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया एंड दिस इज द प्लस c. सिमिलरली 1 by x क्या होता है, log of x होता है. तो 1 by ax plus b dx कितना होगा, 1 by a, बाहर हमने निकाल लिया, log e base ax plus b plus c. ये क्या होगा, फिर नेक्स्ट फिफ्थ रूल है, ax plus b to the power n is dx is equal to, ये सिंगल क्या है, x to the power n फॉर्म में, तो x to the power n plus 1 by n plus 1, बट जो कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग 1 by डिवाइड कर देंगे. ये कुछ स्टैंडर्ड रूल है जो कि हमको थोड़ा बहुत रिमेंबर करना पड़ता है, किस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आए डिफरेंस फॉर्म में तो हम लोग अप्लाई कर सकें. तो इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का. ये डिफरेंट टाइप्स हो गए, हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस लिखे, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे. सिमिलरली क्या हमें दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म है वाई इज इक्वल टू 3 साइन 3x प्लस 4. अगर इसको डिफरेंशियली पुट करते तो क्या होता है अपना, x इज इक्वल टू व्हाट, क्या इस आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहा है ये साइन ऑफ 3x प्लस 4, मतलब a का वैल्यू कितना है 3x, b का वैल्यू कितना है 4 है, dx आइडेंटिटी का आंसर कितना होगा, सीधे लिखते हैं, सॉल्व करना ही नहीं, क्या लिखना है, माइनस ऑफ cos 3x प्लस 4 बाय 3 प्लस c. खत्म, कुछ नहीं आ नहीं था ना, जस्ट इस फंक्शन को फॉलो करना था. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y dt, इसका मतलब क्या पूछा है, साइन 3t dt. अब देखो ax प्लस b में यहाँ क्या है, b का वैल्यू 0 है क्योंकि 3t प्लस कुछ नहीं है, x को रिप्लेस कर देते t फंक्शन से, तो ऑल x रिप्लेस बाय t, तो क्या होगा sin 3t, तो क्या होगा sin का माइनस ऑफ cos 3t प्लस 0, क्योंकि b का वैल्यू है 0 तो हम 0 रखेंगे, तो cos 3t बाय 3 तो लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ cos 3t बाय 3 प्लस c. इसमें कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे सिर्फ इसका क्या हो रहा है, वो चेंज कर जा रहा है, वेरिएबल चेंज कर रहा है. इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, थीटा है cos 2 थीटा, अगेन cos 2 थीटा मतलब a का वैल्यू 2 b का वैल्यू अगेन 0, तो इंटीग्रेशन डालेंगे हम लोग cos 2 थीटा d थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो cos क्या होता है sin 2 थीटा प्लस 0, तो 0 नहीं लिख लेंगे, 2 थीटा बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट c. जस्ट एक नजर हम लोग देखेंगे और कैसे सॉल्व कर देंगे. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 जो है उसको देखेंगे, y dx, तो क्या पूछा है हमें, y cos of 5x minus 6 into dx. अब ये क्या होगा, इस रिजल्ट को फिर से देखें अपन, क्या पूछा है, cos of ax plus b dx, मतलब a का वैल्यू 5, b का वैल्यू minus 6, तो क्या करेंगे, sin of ax plus b, तो as लिख देंगे, sin of 5x minus 6 divided by cos of coefficient of x is multiplied, this is your answer. सिमिलर इसमें कुछ नहीं है, सारा फॉर्म देख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, y is equal to 5 e to the power 5n, n यहाँ पे है, x नहीं, मतलब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, तो बाकी सब क्या होगा, पूरा तो कांस्टेंट ही है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 e to the power 5n dx, सब कांस्टेंट बाहर निकालो, 5 e to the power 5n into dx. ये कहानी तो अपने उसी जैसे, 1 से मल्टीप्लाई किया या x to the power 0 किया, इससे क्या होता है, x होता है, आंसर कितना हो जाएगा, 5 e to the power 5n into x plus c. ये बहुत ही आसान है, अगर आपको पैटर्न पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इस चारों क्वेश्चन को, पांचों क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्लेरिफिकेशन लेके आते हैं क्या क्या हो सकता है. फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, y टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर पाई इंटू एन, फिर से क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो पुट करो सिंपल से बात, क्या पूछा है, e टू दी पावर पाई इंटू एन डी एक्स, यहाँ भी x अवेलेबल नहीं है, सारा कहानी बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर पाई इंटू एन इंटू डी एक्स, फिर सबको सेम कैसे है, 1 इंटू दिस क्या हो जाएगी, e टू दी पावर पाई एन एक्स प्लस सी, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है. देखिए और ये हर एक टाइप का है. नेक्स्ट आपने पूछा है 1 by 3 minus 2x, तो हमको कभी कभी लगता है सर ये फॉर्म है, फॉर्म 4, ax plus b तो यहाँ क्या रिप्लेस है, माइनस ऑफ वैल्यू दिया, 3 minus b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू माइनस, a का वैल्यू माइनस 2, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 3 minus 2x dx is equal to, फॉर्मूला सेम रहेगा, 1 by a मतलब 1 by minus 2 minus 1 by 2 log e base 3 minus
टू एक्स प्लस सी। जस्ट कंपेयर करना था इस फॉर्म से कि 1 बाई ए हुआ लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी, तो कितना होगा 3 माइनस टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये किसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 बाई टू थीटा माइनस वन, तो ये भी क्या है सिमिलरली 2 थीटा, तो थीटा में क्या हुआ पे x जगह पे क्या हो गया थीटा हो गया, तो जस्ट इस इंटीग्रेशन में पुट कर लो, क्या लिखते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा माइनस 1, इसका मतलब 1 बाई टू, क्योंकि थीटा का कोएफिशिएंट कितना है 2, फिर सेकंड होगा लॉग ई बेस 2 थीटा माइनस 1 प्लस सी। हमने इसको इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, क्योंकि इस सब क्वेश्चन अगर हमें आ जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे क्या करना है क्या नहीं, बट वी नो द रिजल्ट प्रॉपर्ली दिस सम टाइप्स इज गिवन देयर देन वी हैव टू सॉल्व इट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इजीली। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं स्पेशल केस टाइप 2। इस टाइप का फंक्शन हो, हमने ए माना है y is equal to sin squared x हो और हमसे पूछे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसका मतलब अल्टीमेटली हमसे क्या पूछा है साइन स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू होगा क्या। हमने सर इस तरह का क्वेश्चन देखा नहीं, x टू द पावर n भी नहीं है, बहुत लोग सोचेंगे कि सिंपल क्या करते हैं साइन को मान लेते हैं x टू द पावर n, तो क्या करेंगे साइन टू द पावर 3 x बाय 3 प्लस, ये बकवास मेथड है, ऐसा कुछ नहीं होता है, करेक्ट, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमने इसको स्पेशल टाइप में रखा है कि इसका कुछ अपना पर्सनल वैल्यू होता है। ठीक ना, तो कभी ऐसा मन में सोचे कि x टू द पावर स्क्वायर है तो क्या करेंगे प्लस 1 करके प्लस 2 प्लस 1 से डिवाइड करके प्लस से ले देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो होता क्या है, एक रिजल्ट होता है जिसको अप्लाई करके हम क्या करेंगे लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे। लीनियर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि कभी भी लीनियर फॉर्म रहेगा sin x का, हमको पता है हमने कहीं रिजल्ट में sin स्क्वायर x का डेरिवेशन बताया क्या या इंटीग्रेशन बताया क्या, नहीं बताया, क्यों, क्योंकि ये सारे फॉर्म का रिजल्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं एक फॉर्म को दूसरे में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, क्या होता है cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट होता है, अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमको क्या पता है कि इस वैल्यू को किस तरह रिप्लेस करना है इस फॉर्मूला से, cos 2x is equal to 1 minus 2 sin squared x, अगर इसको हम लिखना चाहें तो 1 minus cos 2x by 2 is equal to sin squared x लिख सकते हैं। क्या इस सारी कहानी को हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या होगा 1 minus cos 2x by 2 into dx, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब क्या बोलोगे सर 1 by 2 तो constant है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, फिर क्या होगा 1 minus cos 2x into dx, अगेन टू फॉर्म ऑफ देयर, क्या होता है दो फॉर्म होता है, तो 1 बाई टू तो रहेगा नीचे, अब क्या होगा 1 इंटू डी एक्स, पहले दिस इज मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x dx, क्या हम दोनों इस दोनों का इंटीग्रेशन नहीं देखा क्या, 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, दिस इज 1 बाई टू एक्स, और कॉस का क्या पढ़ा हमने जस्ट अभी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, साइन 2x, और हमने और क्या पढ़ा था जो भी इसका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है उससे डिवाइड हो जाता है नीचे, और ये उसको फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग नीचे से करते हैं, तो क्या होगा इसका दिस प्लस एड सम कांस्टेंट c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वेरी इजी वन। तो इस चीज को कभी भी साइन स्क्वायर x हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या जाना चाहिए कि इस स्क्वायर वाले टर्म को कभी हम लोग लीनियर फॉर्म में लिखेंगे फिर इसको जनरली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग टाइप टू जो फर्स्ट था y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, उसका इंडिकेशन पूछा था साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होगा, अब क्वेश्चन क्या पूछा हमारे सेकंड में वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इट मीन्स वाई डी एक्स कितना होगा, अगर इसको हम लिखें तो कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, व्हाट इज द वैल्यू फॉर देम। अब देखो फिर से आ गया स्क्वायर का टर्म, तो हाउ वी मल्टीप्लाई या एनालाइज कैसे करेंगे, फॉर्मूला इसी में फॉर्म होता है बट यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंजेस होते हैं। अब देखो अगर हम लिखना चाहें तो कॉस ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, हमने फिर इस फॉर्मूला को वही जुटाया ट्रिग्नोमेट्री से, रिलेशन बिटवीन cos स्क्वायर एक्स एंड sin स्क्वायर एक्स का फॉर्म होता है अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डीप से जाते हैं, बट ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2, यहाँ क्या होता था माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, तो जस्ट क्या करेंगे इस cos x की वैल्यू को इस फॉर्म में हम लोग पुट कर देंगे, क्या आएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx, अब तो हमारे लिए सबसे आसान होगा इसको सॉल्व करना, अगेन 1 प्लस cos 2x into dx, फिर से सेपरेट करना अपने को 1 by 2 1 dx plus integration of cos 2x dx,
अभी हमने तुरंत देखा था वन का इंटीग्रेशन, चौथी प्रश्न में बता रहा हूँ, इसका x हो जाएगा cos x का अगेन sin 2x by 2, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, sin 2x by 2 और प्लस में c कांस्टेंट डाल देंगे। तो इस टाइप में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो sin स्क्वायर x हो या cos स्क्वायर x हो, इस दोनों को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। अभी क्वेश्चन देखा था, ये लास्ट टाइप देखा था, दिस इज द पार्ट, वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इनडेफिनिट पार्ट को इंड कर दिया। हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन विथ लिमिट, ठीक है। उस समय क्या होता है, सबसे पहले सिंबल लिखना पड़ता है, कैसे देखते हैं वो। तो सिंबल हमने क्या किया था, इस वाले पार्ट को दो तीन तरीके से मैं सब कुछ बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था, एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन होता है, डी एक्स इज स्मॉल जेनरल एक्स, दिस इज द साइड ऑफ इंटीग्रल। इस होल फेनोमेन को बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। अगर हमसे कोई पूछेगा इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ मतलब किसका, इस फंक्शन का, कहाँ से, ए से बी तक। इसका जैसे वो किसी से पूछा कि सिंबल तो बोला बट इसको रीड कैसे करता है, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रीड एज, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। फिर से सेम फंक्शन, आप लोग को आइडिया होगा कि इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रल साइन। एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन इन द इंटीग्रल, मतलब ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स का, उस इंटीग्रल के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ एक्स। अब हमको नया नहीं मिलता है इसमें, दिस इज बी इज द अपर लिमिट एंड ए इज द लोअर लिमिट। हमने क्या किया, ए टू बी, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर लिमिट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट बोलते हैं। और डी एक्स हमने पहले डिस्कस हो गए, डी एक्स इज द एक्स इन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी एक्स का वेरिएबल उस इंटीग्रेशन में होगा वो क्या होगा, dx होगा। हमने दो चीज इसमें नया ऐड किया, वो कौन सा चीज ऐड किया, फर्स्ट टर्म था कि हमने एक लिमिट नाम का चीज ऐड किया, दिस अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। अब क्या होता है, लिमिट फिक्स करना, जस्ट लाइक विथ लिमिट, इससे पहले क्या था, इनडेफिनिट था, कुछ फिक्स नहीं था। अब हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को बाउंड कर दिया, ठीक ना। तो इस डिस्क्रिप्शन को आप लिखिए, फिर हम लोग कुछ रिजल्ट्स को देखते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब क्या होता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं, उसको हम लोग अब देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को लिखा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करते हैं, एक नया इंटीग्रेटेड फंक्शन आता है जिसको हम लोग मान लेते हैं वो जी ऑफ एक्स होगा, और देन आफ्टर वी पुट द लिमिट ए टू बी। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, फर्दर फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, देन माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको देखेंगे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये इसका रिजल्ट होता है। अब वेट, जी एक्स क्या होता है, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एंटी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का रिवर्स क्या होता है, जी एक्स। तो जी एक्स को बोल सकते हैं इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो वेयर वेयर जी एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा या एंटी डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, जी एक्स होगा। उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स में ट्राई करेंगे, करेक्ट। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर वी और कैन ऑल्सो लिख दैट, और जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स, नहीं तो, और एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स क्या होगा, जी एक्स होगा। हम लोग इस दोनों लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं, इसको ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसी सॉल्यूशन के बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये हुआ हमारा फर्स्ट बेसिक पार्ट, हाउ वी राइट द डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज द साइन एंड मीनिंग ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज द साइन मीनिंग, व्हाट इज दिस एफएक्स मीनिंग, व्हाट इज दिस बी मीनिंग, व्हाट इज दिस ए मीनिंग, मतलब सब सब को हमने देखा कि कितना कितना सबका मीनिंग होता है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। अगर ए टू बी कोई लिमिट होगा, ए इज द लोअर लिमिट, बी इज द अपर लिमिट, और एफएक्स क्या होगा, इंटीग्रल का फंक्शन होगा, इन दैट केस जी एक्स कोई क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफएक्स होगा। Then after we solve this and get this result, हम लोग इस रिजल्ट को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे से लिखिए दोनों फॉर्म को, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं, उसको सॉल्यूशन लिख के बताएं, उसी के बेसिस हमने दो चार एग्जाम्पल डाला है। हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर उसको अच्छे से देखेंगे, फिर आप लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट के लिए, फिर पॉज करके बनाएंगे, करेक्ट ना। पहले आप देखिए फर्स्ट, फिर सेकेंड टर्म का पॉज करके बनाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, 3 vx, हमने क्या बोला था, सिंपल सा सॉल्यूशन, पहले क्या लिखने का, 3 कॉन्स्टेंट बाहर करो, 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या, लिमिट कितना होगा, -1 to 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने x बताया था बहुत पहले, क्या होगा, 3 इंटू एक्स, अब लिमिट पुट करना इसमें, -1 to 4,
पहले क्या बोला था अपन, b का वैल्यू पुट करना है। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ b क्या होगा, 3, x का वैल्यू कितना पुट करना है 4, माइनस ऑफ माइनस 1, दिस इज द आंसर, 3 इनटू 5, 4 माइनस ऑफ 5 कितना होगा 5 होगा, 5 इनटू 3 कितना होगा 15। क्या हमको आंसर दिखा गया जो कि डेफिनेट वैल्यू आया ना, 5 इनटू 3 कितना होता है 15। इसका मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू सॉल्व करें कितना होगा हमारा आंसर, रिपीट होगा। दिस इज द बेसिकली, एक्चुअली हमने किया क्या, जस्ट वही इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया, उसके बाद क्या किया हमने उसको जस्ट लिमिट किया। लिमिट पुट करने का तरीका हमने बताया कि जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे, एंड देन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमको उससे कुछ वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, सेकंड में क्या बोला है कि इस क्वेश्चन को आप पहले स्क्रीन पॉज करके इसको बनाएंगे। सिंपल मेथड वही है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है फिर उसमें पुट करना है, ठीक ना। फिर देखिए सॉल्यूशन क्या पूछा है कि साइन एक्स डी एक्स लिमिट है 0 से पाई बाई 2। आपने क्या पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होते हैं। अब देखो अपने सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं तो माइनस ऑफ साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इसको लेने दो, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। अब देखो कॉस पाई बाई 2 में क्या पता है 1 होता है कि 0 होता है, दिस इज 0, cos पाई 2 तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। दिस माइनस कितना होगा प्लस, cos 0 कितना होता है 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि अगर हमको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, थर्ड क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, उसी मेथड से करना है। फिर से आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे बनाने के बाद। देखिए यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में cos दिया हुआ है तो हमको पता है cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x dx पाई बाई 2 को 0, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, क्योंकि sin का क्या होता है माइनस cos, तो cos का कितना होगा sin, तो sin x लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 2 को 0। देखिए पाई बाई 2 पे 0 तो sin 0 0, क्योंकि पहले पुट करना पड़ेगा हमें sin 0 माइनस sin पाई बाई 2, साइन 0 तो 0 होता है, कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, दिस इज द आंसर। हमको पता चला कि इस वाले केस में cos kx में इसका इंटीग्रेशन करने पे जस्ट cos का साइन हो गया, लिमिट पुट कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया माइनस 1 आ गया। इस मेथड को भी अपने आंसर मैच कर लेंगे, इतना आया कि नहीं। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो इजी, ये भी क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो फिर से क्या करना है अपने को, cos ऑफ x dx माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। हमने क्या रिजल्ट सीखा है, रिजल्ट क्या देखा है, कॉस का क्या होता है माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 आ गया। अब देखो पुट करते लिमिट, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2, क्योंकि क्या करेंगे लिमिट हम लोग दोबारा पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 क्या होगा माइनस 1 होगा है ना, प्लस साइन होगा यहाँ पे, साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ दिस। देखो तो क्या होगा साइन पाई बाई 2 तो 1 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा कितना होता है, हमने फर्स्ट डे पता है साइन ऑफ पाई लिखा था माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा देखा हो जाएगा प्लस 1, ये कितना होगा 2, दिस इज द आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, कॉस का क्या होता है साइन, अभी जस्ट देखा था कॉस का साइन पाई बाई 2 पुट किया तो 1 माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2 तो साइन माइनस थीटा यहाँ पे लिख लेंगे अगर कंफ्यूजन होगा तो, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, दिस इज द रिजल्ट। हमने ट्रिग्नोमेट्री बताया था इनिशियल स्टेट पे, तो क्या होगा साइन माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक बाहर आ जाएगा तो 2 माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हमारा था, इसको अच्छे से लिखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डाला इसको। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर dx इसका लिमिट है माइनस 2 से 2, फिर बोला है कि हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना सबसे आसान है, हमने जस्ट बोला था अप्लाई क्या करना है कॉन्स्टेंट बाहर निकालो x स्क्वायर dx माइनस 2 से 2। अभी हम लोग क्या करते हैं लिमिट को भूल जाते हैं, सिंपल x स्क्वायर dx का फॉर्म याद होगा, हमने बोला था x टू दी पावर n dx क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1। अभी देखो अगर ये इंडिफिनिट यहाँ पे सम कॉन्स्टेंट तो बट क्या है ये डिफिनिट है तो हम इसको हटा देंगे, कॉन्स्टेंट कुछ वैल्यू आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 x टू दी पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1
इंटू माइनस टू से टू, ये लिमिट करेक्ट है, क्या लिख सकते हैं थ्री एक्स थ्री बाई थ्री, ये थ्री थ्री कट जाएगा बचेगा माइनस टू से टू, हमारा क्या सोल्यूशन हुआ एक्स क्यू माइनस टू से टू, पुट करो टू का क्यू माइनस ऑफ माइनस टू का क्यू, दिस इज एट प्लस एट दैट इज सिक्सटीन, दैट्स योर आंसर। हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो हमें लगा था उसको हमने अप्लाई किया, जो कैलकुलस का पार्ट था उसको हमने देखा दो तीन, हमको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए और कैसे अप्लाई करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है छोटा सा पार्ट है क्योंकि हमको कुछ फॉर्मूले चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का हमने ग्राफ बताया था और कुछ हमारा फॉर्मूला भी होता है, ठीक ना, उसको हम लोग लिखेंगे क्या होता है। जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग ऑफ बेस, यू कैन कंसिडर समथिंग ई और टेन उसकी प्रॉब्लम नहीं, एम इंटू एन, वो क्या होता है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। सेकेंड होता है लॉग ऑफ एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम माइनस log of n, ठीक ना, ये दोनों बेसिकली फॉर्म पे होता है। थर्ड रूल है इसका log, अगर मान लो m टू दी पावर n है, इसको लिख सकते हैं हम लोग n log m, बिकॉज फॉर्म होता है यू कैन पुट इट बेस e, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने बेस e डालेगा 10 कुछ भी चलेगा, तो log बेस e m टू दी पावर m लिख सकते हैं। एक कन्वर्जन भी होता है कि log के फॉर्म में या तो ln हो, एक ln नया टर्म आता है, log बेस अगर e हो तो उसको ln भी लिख सकते हैं, अगर log बेस 10 हो तो परफेक्टली उसका पार्ट होता है। जैसे सेकंड में मान लीजिए हमने क्या लिखा log ऑफ e बेस m को हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, एक कन्वर्जन पर 2.303 log ऑफ बेस 10 इंटू m लिख सकते हैं, ये कुछ बेसिक कन्वर्जन है, और नहीं तो इसका एक और एक्स्ट्रा रूल है log ऑफ e बेस m इज इक्वल टू ln m भी लिख सकते हैं। का रूल है जो लॉगरिथमिक का रूल है जो हमें फिजिक्स में समटाइम्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक ना। इसी के साथ एक और नया कंपोनेंट आता है जो हमें जनरली बेसिक मैथमेटिक्स में ही चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, करेक्ट ना, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो। तो देखना चाहिए ये कॉमन फॉर्मूला था, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा लॉग का फंक्शन होगा, ये इसका होगा और ये डिफरेंट फॉर्म में होगा। हमने देखा था लॉगरिथमिक फॉर्म फॉर्मूले, बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, उसमें क्या होता है इफ p by q is equal to a by b होता है उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं p plus q divided by p minus q is equal to a plus b by a minus b। हमने जितना फॉर्मूला लिखा यहां तक वो सब का हम लोग कभी कभी फिजिक्स में यूज करेंगे। तो टिल नाउ यहां तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट डिस्कस किया था वो किया था एलिमेंट्री एलजेब्रा के बारे में, फिर हमने सेकेंडरी डिस्कस किया एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, फिर उसके बाद हमने कैलकुलस में आया था, तो कैलकुलस में क्या किया था, कैलकुलस में हमने दो पार्ट डिस्कस किया डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी हमने दो पार्ट किया था, डिफ्रेंसिएशन बहुत सारे रूल्स किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन किया था, और इंटीग्रेशन में भी हमने क्या किया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन किया। फिर हमने दूसरा पार्ट था, एक था डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इस दोनों को हमने डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन किया जितना हमें फिजिक्स में इन ओवर द टू ईयर, मतलब इस दो साल के पीरियड में जितना भी हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा हमने सारा का सारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को बाय डिफरेंट फॉर्मूला वी आर एक्सप्लेनिंग इन दिस लेक्चर, हमने क्या किया सारा चीज को कवर किया है। और उसके बाद लास्ट में हमने जो हमारा लास्ट पार्ट था आज का, जो कि हमने लॉग के डिफरेंट रूल को देखा था, फॉर्मूला देखा था, वहीं पर हमने एक एडिशनल फॉर्मूला कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का देखा था। तो हमने जो बेसिक का पार्ट था, जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज था, उसको हमने आज यहाँ पे खत्म किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो शुरू होगा एप्लीकेशन इन फिजिक्स, जो भी हमने जितना बेसिक पढ़ा है उसका हम लोग एप्लीकेशन क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।